Are you missing old Free Fire? No. रुको जरा, सबर करो। गाइस कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा इमोशनल कर देता है क्योंकि हम उस ओल्ड फ्री फायर को और उसकी गोल्डन मेमोरीज को कभी नहीं भूल सकते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फ्री फायर को कैसे बचा सकते हैं, हमारे ओल्ड फ्री फायर को कैसे ला सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि फ्री फायर इतना डाउन कैसे हुआ, फ्री फायर गेम इतना खराब क्यों हुआ। तो नंबर 4 पे रीजन है, वो है ओवर पावर गन स्किन एंड गन एट्रीब्यूट। हाँ गाइस, इवो गन आई है तब से तो जिसके पास इवो गन है वो तो जादूगर है। उसमें ऐसी ऐसी मतलब एट्रीब्यूट्स है, आप खुद को ही पता है, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, गरेना विकास करने चली थी और सर्वनाश करके आ गई, और ये फालतू की गन स्किन गेम को खराब कर रही है और खराब कर चुकी है। नंबर थ्री पे है इंडिया में फ्री फायर का बैन होना और ई स्पोर्ट्स नहीं होना। हाँ गाइस, इंडिया में फ्री फायर की ऑडियंस सबसे ज्यादा है और बाहर की कंट्री में डेटा का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, तो वहाँ की ऑडियंस 24 घंटे ऑनलाइन नहीं रहती। पर इंडिया में इंटरनेट सस्ता है तो ज्यादा एक्टिव ऑडियंस इंडिया में ही है, और इंडिया में फ्री फायर बैन हो गया तो फ्री फायर ग्लोबली धीरे धीरे डाउन हो गया। उसके बाद इंडिया में ना तो ईस्पोर्ट्स हुआ क्योंकि फ्री फायर को उसने पैसे चाहिए, और पैसे इंडिया से इतना कमा नहीं रहा, और ईस्पोर्ट्स करता तो भी कमाता, लेकिन अभी के टाइम कोई भी स्पॉन्सर नहीं ले रहा तो ईस्पोर्ट्स भी नहीं कर रहा। ये नंबर 3 रीजन है फ्री फायर के डाउन होने का। तो नंबर 2 पे मेन रीजन है, वो है रिवाइवल पॉइंट और बैंडिंग मशीन। जब से गरेना ने गेम में ये दोनों चीजें दी है तब से बंदों के अंदर जो डर नाम की चीज है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि अगर आप मर जाओगे तो आपके टीममेट आपको रिवाइव कर देंगे। जलवा है हमारा और यही चल रहा है, और इस वजह से बंदों के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है और फ्री फायर फेयर से अनफेयर हो चुका है। और इस रिवाइवल पॉइंट और बैंडिंग मशीन की वजह से रैंक पुशिंग पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। पहले रैंक पुशिंग करते थे जैसे एसके शबीर बॉस, उन्होंने एक टाइम में 13,000 स्कोर किए थे, तो उन्होंने लाखों में सब्सक्राइबर लिए और उनकी बहुत ही ज्यादा वैल्यू थी, इज्जत थी। लेकिन अभी के टाइम ग्रैंड मास्टर की कोई भी इज्जत नहीं करता है, ग्रैंड मास्टर प्लेयर की तो एक कुत्ता भी इज्जत नहीं करता। नंबर 1 पे रीजन है, उसमें एक नहीं दो आते हैं। पहला तो क्रिएटर, हाँ गाइस, जो फ्री फायर के यूट्यूबर हैं उन्होंने ही फ्री फायर को खराब किया है। कैसे? उन्होंने जो डायमंड के इवेंट आते हैं उनकी वीडियो डालते हैं, गिवे की वीडियो डालते हैं, गिवे करते हैं, मतलब चारों तरफ बस डायमंड डायमंड डायमंड। गेम प्ले की तो बहुत कम बात होती है, इसलिए फ्री फायर की ऑडियंस ज्यादातर डायमंड की तरफ गई, इवेंट की तरफ गई, और जो न्यू बंडल आते हैं उनको निकालते हैं, तो बच्चे भी यही सीखते हैं और वो भी जाकर डायमंड और ऐसे ही करते हैं, बल्कि गेम प्ले पे ध्यान नहीं देते। दूसरा ये है कि अभी के टाइम जो भी प्लेयर, जो भी यूट्यूबर्स वो आवाज उठाता है फ्री फायर के खिलाफ, तो फ्री फायर उसको स्ट्राइक मार देती है और स्ट्राइक मार के उसका चैनल ही उड़ा देती है। अभी के टाइम पर्वत भाई और MG अल्फा के चैनल पे स्ट्राइक पड़े हैं, और गरेना ने ऑफिशियल सिंगापुर से स्ट्राइक दिया है, तो आप देख ही सकते हो जो बंदा सच बोलता है गरेना उसका मुंह बंद कर देती है स्ट्राइक मार के। और जिन क्रिएटर को वी बैस दिया है वो तो कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि उनके तो मुंह बंद कर दिए गए हैं डायमंड देके, न्यू बंडल देके। एंड यार, अब तक मैंने आपको बताया ही नहीं कि हम ओल्ड फ्री फायर को रिटर्न कैसे ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे फ्री फायर मैक्स देखना है, और फ्री फायर मैक्स देखने के बाद उसको कम से कम रेटिंग देनी है। और गाइस यही आपको करना है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि हमारे फेवरेट गेम को हम कम रेटिंग दे, बट क्या यार, गेम को बचाने के लिए करना पड़ता है। और मुझे पता है करेना मेरे भी वीडियो पे स्ट्राइक जरूर देगी, इसलिए यार जितना हो सके सब्सक्राइब कर देना एंड यार शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।